जय हिंद मित्रों, फायर कॉलेज दिव्यापुर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फायर में गांठों का क्या योगदान है, नोट्स आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम लोग शुरू करते हैं नोट्स मतलब कि गांठ। ठीक, फायर सर्विस में गांठ लगाना, किस तरह से आप गांठ लगाएंगे, किस तरह से अच्छी गांठ लगाएंगे, किस तरह से आपको कोई भी चीज इधर से उधर ले जानी है, तो सारी जितनी भी गांठें, गांठों का बहुत रूप है। और इसमें प्रैक्टिकल जो आपके होंगे, चाहे वो कॉलेज में हो या आपके बाहर कहीं भर्ती देखते हैं उसमें हो, तो उसमें प्रैक्टिकल में गांठें जरूर होती हैं। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है आपको और आपको लगा के दिखानी पड़ती है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज नोट्स। नोट मतलब कि गांठ। ठीक, नोट गांठ लग गई तो नोट हो गया। बेंड होता है वो जो आप रस्से को आप बेंड करेंगे। जैसे हम ये रस्सा लेते हैं, रस्से को अगर हम ये बेंड किया तो ये बेंड हो गया। और तीसरा होता है हिच। हिच मतलब कि होता है लूप बनाना। जब हम लोग कोई भी चीज इस तरह से लूप बनाते हैं, ये लूप बना गया, ठीक, इसको बोलते हैं हिच। ठीक है, ये तीन रस्से में तीन पार्ट होते हैं, एक जिससे हम काम लेंगे वर्किंग एंड, ठीक है, दूसरा होता है स्टैंडिंग पार्ट, ठीक, जो आपका खड़ा हुआ है, तीसरा होता है डेड एंड, जो इसके नीचे लास्ट में बचा हुआ है। ठीक, तो ये तीन पार्ट आपके हो गए। अब हम लोग पहली गांठ शुरू करते हैं। पहला होता है हाफ इंच। गौर से देखिएगा, अपने हाथ पे ही बांध के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये इस तरह से करके, ये हिस्सा इधर और ये हिस्सा इधर, ठीक, जी सर। ये हो गई आपकी हाफ इंच। एक बार और, जस्ट आपने ये लिया, इधर लिया और ये लिया, ये हाफ इंच हो गई। ये किसी भी नोट के साथ में बांधी जाएगी, गांठ के साथ में बांधी जाएगी, ना कि ये प्रॉपर गांठ है। ठीक, एक अच्छी है। गांठ के गुण क्या है कि कोई भी गांठ जगह से फिसले ना, ठीक, और इस तरह से लगे हो कि आपका रस्सा भी खराब ना हो। ठीक, तो ये हो गई पहली आपकी हाफ इंच। दूसरा होता है आपका थंब नॉट। थंब नॉट आप लोग भी लगाना जानते होंगे, जैसे कि ये लगी हुई है एक। थंब नॉट में कुछ नहीं, आपको नॉर्मल इस तरह से लूप बना के बीच में से डाल देना है। ये आपकी हो गई थंब नॉट। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, ये सभी को लगाना आता है मेरे हिसाब से। कोई भी गांठ लगाने को बोलो तो ये यही गांठ लगती है। ठीक है, सबसे सिंपल होती है। कोई जस्ट आपने इसको बेंड किया, इसमें से डाल दिया, ये हो गई आपकी थंब नॉट। ठीक है, सभी लोग लगाना इसको देख सीख लेंगे अगर नहीं आता है तो। तीसरा होता है आपका फिगर ऑफ एट, मतलब कि आठ का फिगर। ये किस तरह से बनाएंगे, आपने ये रस्सा लिया, इस तरह से डाल दिया। ठीक है, गौर से देखिएगा सभी लोग। इसको हम लोग आगे से लेंगे, कहाँ से लेंगे, आगे से पकड़ा और फिर आपने इसको घुमा के आगे से ही खींच दिया। ये देखिए आठ बन गया। ये दोनों गांठें, एक आपकी थंब नॉट, एक की फिगर ऑफ एट, ये दोनों आपके स्टॉपर का काम करती हैं। ठीक है, स्टॉपर मतलब कि कोई भी चीज आपको वहां रोकने के लिए आगे ना बढ़े। ठीक, ये फिगर ऑफ एट समझ में आया। एक बार और बता देते हैं, गौर से देखिएगा। आपने इस तरह से पार्ट लिया, रस्से को आगे से लिया, घुमाया और फिर आपके आगे से ऊपर की तरफ कर दिया, ये फिगर ऑफ एट। इसको समझ में आया वो देख लेगा, नहीं तो वीडियो को आप बार बार देखिए, सीखने की ट्राई कीजिए। और रस्सा हाथ में लेके ही ट्राई, ये हो सकता है, ऐसे सीखने से माइंड में रखने से कुछ नहीं होगा। ठीक, अगर आपको सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चौथी आती है आपकी रीफ नोट। रीफ नोट में क्या होता है कि ये दो समान मोटाई के रस्सों को जोड़ने का काम करती है। ठीक, दो रस्से हमने ले लिए, ठीक है,
इस रस्से में हमने एक लूप बनाया, ठीक, लूप बना के इसके बीच से डाल दिया और अपने हथेली पे हमने इसको, उंगली पे इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां से हमने इसको पकड़ा, पकड़ के हमने इसी लूप में ऊपर से फिर से डाल दिया, डल गया और इसको, और इसमें पहले से गांठ लगी है, ऊपर से डाल के हमने इसको खींच दिया। ये देखिए दो समान मोटाई की रस्सियों को ये जोड़ने का काम करती है, हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है, और आसानी से खुल भी जाए, इस तरह से गांठ आपकी होनी चाहिए, तुरंत खुल गई है ना। ये आपने लूप बनाया, नीचे से इसमें डाला और उंगली पे छोड़ दिया, ठीक है, बीच से लिया, खींच के इसी लूप में ऊपर से फिर से डाल दिया, लूप में डाल के इसको खींच दिया, ठीक। ये आपके दो समान मोटाई के रस्सों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से देख लीजिएगा, आप नॉर्मल इसमें से डालेंगे, लूप में डाल के ऊपर छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद इधर से खींच के लूप में से फिर से डाल देंगे और पकड़ के इसको खींच देंगे, ये आपका रीफ नॉट हो गया, ठीक है। चलिए इसको आसानी से खोल भी सकते हैं। अब पांचवी आती है आपकी सिंगल सीट बेड। सिंगल सीट बेड में क्या होता है कि अलग अलग मोटाई के, अलग अलग मोटाई के दो रस्सों को हम लोग लेते हैं और उनको जोड़ने का काम करते हैं, इसका, ठीक है। हमने दो रस्से ले लिए, आपको दो रस्से दिख रहे हैं, ठीक। पहले रस्से में हमने इस तरह से लूप बनाया जो पहले बनाते थे, ठीक है, लूप बना के इसके नीचे से डाला और ऊपर में छोड़ दिया। अब इसको यहां से खींच के अगर ऊपर से तोड़ देंगे तो रीफ नॉट हो जाएगी, हम क्या करेंगे इसके बीच से निकालेंगे, ठीक है, और इसको खींच देंगे। ये दो असमान मोटाई के रस्सों को जोड़ने का काम करती है, ये हो गई आपकी सिंगल सीट बैंड, ठीक है। ठीक है, जो आपकी हाफ इंच थी वो आपने सीन समझ ली, थंब नॉट समझ ली, फिगर ऑफ एट समझ ली और रीफ नॉट, इसको डॉक्टरी गांठ भी बोलते हैं रीफ नॉट को, ठीक है। इसके बाद आ गई सिंगल सीट बैंड, ये दो असमान मोटाई के रस्सों को जोड़ने का काम करती है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें से डाला, इधर डाल दिया, लूप बना के उंगली पे डाल दिया, खींचा और फिर लूप में नहीं डालना है, ऊपर उंगली से इधर से खींचना है, ठीक, ये आपकी खींच दिया, ये हो गई सिंगल सीट बैंड, ठीक है, आसानी से खुल भी गई। अब होती है अगली है डबल सीट बैंड। डबल सीट बैंड में क्या होगा, ये सेम है, दो असमान मोटाई के रस्सों को जोड़ने का काम करती है। इसमें क्या होता है, लूप बनाया, सिंगल डारा, इधर डाल दिया, डबल है तो इसको एक बार और चक्कर मार दिया, फिर क्या करेंगे, जो हमारा था पहले वाला सेम, उसी में से ऊपर से हमने इस वाले में डाल के खींच दिया, ये हो गई डबल सीट बैंड, ठीक। ये आपकी जो पतली रस्सी थी या जो भी है वो मजबूत हो गई, ये दोनों रस्सी आराम से आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है, ये हो गई डबल सीट बैंड, ये देखिए डबल हो गया, ठीक। एक बार फिर से बता देते हैं, ये देखिए लूप बनाया, ऊपर से डाला, एक और चक्कर लिया, लेके छोड़ दिया। अब जो उंगली का पहले वाला हिस्सा था इधर, जो हम लोग पहले सिंगल सीट बैंड में करते थे, वही डाल के और उसको पकड़ के हमने खींच दिया, ये हो गई डबल सीट बैंड, ठीक है। आज आप लोगों ने 6 गांठ सीखी और इसके आगे की गांठ जो है, आगे की नोट जो है, वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। ये आपका पहला पार्ट था नोट का, ठीक है। चलिए मित्रों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने फायर सर्विस में जो गांठें होती हैं उनके कुछ भागों को करना सीखा,
और आगे की क्लास हम लोग इसके दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।